एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कौन से, जो आरडी शर्मा में होते हैं, प्रूव करने वाले क्वेश्चन, या फिर कुछ वैल्यूज पूछने वाले क्वेश्चंस कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा क्या। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इस चैप्टर में से काफी आते हैं, एंड मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस में से मीन के, अर्थमेटिक मीन जो होता है जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं, उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। वो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी जिसमें कुछ अलग अलग सिचुएशन देखकर वो ओल्ड मीन और पुराने न्यू मीन को रिलेट करेंगे। तो ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर ही नहीं, इसमें से आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, मेरे पास पार्ट का मैसेज आ रहा है। दिखाई आगे आगे फाइन, तो आगे एक्सरसाइज पे चलते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज, दो ही क्वेश्चन है उसमें, आई थिंक। हाँ, ओनली टू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव फाइव एग्जांपल्स ऑफ डेटा दैट यू कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। ये तो मैंने भी आपसे पूछा था पहले भी फर्स्ट क्लास में। इसमें हम कुछ भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। देखो, एग्जाम्पल्स में आप ये मत सोचना कि हम इस चीज का क्या करेंगे। अगर कहीं पर भी कैलकुलेशंस होती हैं, कुछ भी आप पे स्टेटिस्टिक्स आपको नजर आता है कि हम काउंट करके देख सकते हैं इस चीज को, तो आप वो एग्जांपल्स दे सकते हैं। वेदर इट्स नंबर ऑफ एयर कंडीशन इन योर सोसाइटी और योर हाउस, या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स के सभी के हाउसेस में कितने कितने एयर कंडीशंस हैं, या कितने फैंस हैं, फैन हैं, या फिर कितने टेलीविजन सेट्स हैं, या फिर आपके जो सोसाइटी में बच्चे हैं, किड्स हैं, उसमें एज ग्रुप में आप उनको डिवाइड कर सकते हो कि कितने बच्चे हैं, और उसमें से मेरी एज के कितने बच्चे हैं, आपकी एज के कितने बच्चे हैं, तो मतलब मेरी एज एज नॉट मी, आपकी एज के कितने बच्चे हैं। सो आप कुछ भी स्टेटिस्टिक्स करने के लिए कोई भी एग्जांपल्स दे सकते हो, बस वो ऑब्वियसली एक वैलिड होनी चाहिए और लॉजिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सड़क पे पड़े हुए पत्थरों का को काउंट कर सकते हैं या सकता हूँ, ऑब्वियसली वो कुछ लॉजिकल नहीं होगा। नंबर्स तो हैं बट लॉजिकल नहीं है। सो यहाँ पर आप कुछ भी एग्जांपल्स दे सकते हो, रिलेटेड टू पॉलिटिक्स भी दे सकते हो। टीवी से आप कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप किसी ग्रोसरी स्टोर के अपनी घर की ग्रोसरीज का डेटा रख रहे हो, या फिर आप अपने पॉकेट मनी का अकाउंट रखते हो, या फिर आप स्कूल में आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, एंड आपके स्कूल में टीचर्स हैं, वो हिंदी के इतने टीचर्स हैं, मैथ्स के इतने टीचर्स हैं, एंड सो आप कुछ भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी बिल का ट्रैक रख सकते हो। सो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। एक है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, कितने हमारे क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उनका ट्रैक रख सकते हो, वो आपकी यूज में शायद आए ना भी आए। लिटरेसी रेट फिगर्स ऑब्टेन फ्रॉम एजुकेशनल सर्वे, कोई भी एजुकेशनल सर्वे हुआ उससे हमने लिटरेसी रेट फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि पर स्टेट में कितना लिटरेसी रेट है, हमारी स्टेट में कितना लिटरेसी रेट है। कुछ कई बार स्कूल से आपके प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन काम आती है। थर्ड वन इज डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ऑफ लास्ट 2 इयर्स। लास्ट 2 इयर्स का आपने इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन रखा, जिसके बेस पर आपको आगे शायद या तो कनेक्शन लेना हो, या फिर आपको अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी का लोड बढ़वाना हो। इट्स मोर फॉर योर पेरेंट्स देन यू, आपके लिए तो कमी सुटेबल है एग्जाम्पल, बट रख सकते हैं ट्रैक। आपके पेरेंट्स कह सकते हैं कि देखो बिल आएंगे तो इनके ट्रैक आप रखना, और फिर हमें जब जरूरत पड़ेगी तो आप हमें देना। ग्रोसरी कंजप्शन लेफ्ट इन द स्टॉक ऑफ किचन, किचन में जो भी ग्रोसरीज हैं, हो सकता है आपसे रिलेटेड आपका जो जैम है वो कितने दिन में खत्म हो रहा है, या फिर आपके जो चॉकलेट्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, जो भी आपके मनपसंद चीजें आप जो ला कर रखते हो घर में एक्स्ट्रा ग्रोसरी के तौर पर, उसका ट्रैक रख सकते हो, या फिर मॉम डैड की हेल्प करने के लिए, मॉम की हेल्प करने के लिए ग्रोसरी का ट्रैक रख सकते हो। मॉम कितने दिन में हमारी चीनी खत्म हो रही है, या फिर चाय की पत्ती खत्म हो रही है, व्हाटएवर, कुछ भी ट्रैक रख सकते हो। ठीक है, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, तो आपके लाइफ से रिलेटेड होने चाहिए और
कुछ थोड़ा बहुत रिलेट होने चाहिए आपसे भी कि आप उनका यूज कैसे शायद कर लोगे अपनी डे टू डे लाइफ में। फिफ्थ है इलेक्शन रिजल्ट्स थ्रू टेलीविजन और न्यूज़पेपर, दैट्स टोटली यूज की तो नहीं है, मतलब यूज की है भी और नहीं भी है, आपके इंटरेस्ट होना चाहिए। इलेक्शन वाले दिन आपने देखा होगा टीवी के सामने ऐसे बैठ जाते हैं जैसे उस दिन कुछ और काम है ही नहीं, है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, हालांकि उसका आपसे इतना ज्यादा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ऑब्वियसली जो कैंडिडेट सुन के आएंगे उनसे आपका कनेक्शन होगा, बट एक क्या कहते हैं उसको, एक्साइटमेंट रहती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा एंड ऑल। तो वो इलेक्शन रिजल्ट्स थ्रू टेलीविजन और न्यूज़पेपर, ये हमारे डे टू डे लाइफ के कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम स्टेटिस्टिक्स में यूज कर सकते हैं, जो हमारा डेटा कलेक्शन होता है उसको शो करते हैं। ठीक है, आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो, ये फिक्स नहीं है, आप सिंपलर एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो कुछ भी, कि मेरे कितने रजिस्टर मैथ्स के एक मंथ में खत्म होते हैं, कितने पेंस में खत्म करता हूँ या करती हूँ, या पेंसिल स्टेशनरी वॉट एवर, तो कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये सलोनी है, रेडमी नोट 4 इस सलोनी। कुछ बच्चे जूम में प्रॉब्लम हो रही है, कई स्टूडेंट्स ने आज मुझे करा मैसेज कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने रीइंस्टॉल जब किया ऐप को तो उन्होंने दोबारा से ज्वाइन कर लिया था। गुड, तो ठीक है, अब तुमने ज्वाइन कर लिया, ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स बताए अभी और कुछ नहीं कराया, डे टू डे लाइफ में जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स, वो आप कुछ भी दे सकते हो। ये मैंने फर्स्ट क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कुछ भी एग्जाम्पल्स जिससे हम कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, किसमें हमें बताना है जो हमने एग्जांपल्स दिए उसमें प्राइमरी डेटा क्या है और सेकेंडरी डेटा क्या है। फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया था कि ये आपको पता है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, आई होप मुझे दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम डायरेक्ट कलेक्ट करते हैं या फिर इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट कलेक्ट करता है उसको हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं, एंड सेकेंडरी डेटा जिसको हम किसी दूसरे से लेकर कलेक्ट कोई और करता है और उससे हम अपनी यूज की इंफॉर्मेशन लेकर उसे अपने इंफॉर्मेशन ग्रुप में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। तो जो मैंने एग्जांपल्स दिए थे, फर्स्ट एग्जांपल था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, ये कैसा डेटा होगा बताओ, प्राइमरी और सेकेंडरी? सर प्राइमरी। प्राइमरी, एग्जैक्टली। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्वियसली आप खुद ही काउंट कर सकते हो, कर लोगे, आप ये नहीं कहोगे कि मैं किसी इन्वेस्टिगेटर को रखूं और वो मेरे लिए मेरी क्लास के बच्चों का नंबर काउंट करके लाए, डजंट मेक सेंस। तो प्राइमरी डेटा है, एग्जैक्टली प्राइमरी डेटा। देन वी हैव लिटरेसी रेट फिगर्स ऑब्टेन फ्रॉम एजुकेशनल सर्वे, ये क्या होगा, ये भी प्राइमरी? सेकेंडरी। सेकेंडरी, करेक्ट, बिकॉज लिटरेसी रेट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, मुझे नहीं लगता कि आपके पास इतना टाइम है या फिर आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं जिससे आप पूरे एरिया का सर्वे करके ये फाइंड आउट कर सको कि आपका लिटरेसी रेट क्या है ना। तो इसके लिए आपको किसी एक्स्ट्रा सोर्स की जरूरत पड़ेगी, जो ये सर्वेस करते रहते हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की नेल्सन, वो मोस्टली वो ही ये सारे सर्वेस कराती है, और वो ये सारे सर्वेस करके पहले से पहले इंफॉर्मेशन अपने पास गैदर करके रखती है, उसको पूरा प्रोसेस करते हैं, बहुत बड़ा उनका नेटवर्क है। पूरा प्रोसेस करने के बाद में उनके पास फिर कंपनीज या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज जाती हैं ये डेटा कलेक्ट करने के लिए कि हमें इस चीज का डेटा चाहिए। प्राइमरी डेटा बच्चे, अक्षत, प्राइमरी डेटा वो होता है जिसको हम डायरेक्ट या फिर इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट कलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता करना है कि आपकी जो कॉलोनी में है, सपोज एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि आपके घर में बहुत दिनों से मोटर में पानी की प्रॉब्लम आ रही है, विच हैपेंस, तो आपकी मम्मी ने कहा जा कॉलोनी में पूछ के किस किस के यहाँ पानी आ रहा है, किस यहाँ नहीं आ रहा है, हो सकता है ऐसा। सो आप जाओगे अपने नेबर से, एक से पूछोगे आपके यहाँ पानी आया नहीं आया, दूसरे के पास जाओगे, ऑब्वियसली वो आपका काम हुआ, आपने कलेक्ट करी इन्फॉर्मेशन की किस किस के घर में पानी आ जाया, किस टाइम पे आया, किस टाइम पे नहीं आया, फिर आपने वापस आके अपनी मॉम को बता दिया। तो आपने जो डेटा कलेक्ट करा वो एक प्राइमरी डेटा था, आपने किसी की हेल्प नहीं ली, आप सीधे गए आपने कलेक्ट किया डेटा और अपनी मॉम को बता दिया, आपकी मॉम के लिए वो एक सेकेंडरी डेटा हो गया, क्योंकि आपकी मॉम ने डायरेक्ट तो नहीं करा वो कलेक्ट, उन्होंने किसके थ्रू करवाया, आपसे करवाया।
तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ये बहुत छोटा सा और बहुत ही स्टूपिड सा एग्जाम्पल था एक्चुअली, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आए, जिसमें आप डायरेक्ट अपना डेटा कलेक्ट करते हो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, और जिसमें आप किसी और की हेल्प से किसी दूसरी सोर्स से अपना डेटा कलेक्ट करते हो लेते हो, मतलब कलेक्ट तो कोई और कर रहे हैं, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन उससे पास ऑन करवा रहे हो अपने, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी. ओके, सो लिटरेसी रेट ऑब्वियसली सेकेंडरी डेटा है, बिकॉज ये हम नहीं करेंगे, हमारे लिए कोई और कंपनी करेगी. दैट कंपनी जो मैं बता रहा था वो बहुत बड़ी कंपनी है जो ये सारे काम करती है, एंड गवर्नमेंट भी उससे ही मदद लेती है. ये एग्जिट पोल्स होते हैं, एग्जिट पोल्स कैसे आते हैं आप बताओगे मुझे? कोई जो एग्जिट पोल्स होते हैं कि कौन जीतने वाला है, इफ यू नो व्हाट इज एग्जिट पोल. एग्जिट पोल होता है जब पोल्स हो जाते हैं, मतलब वोटिंग हो जाती है, उसके बाद में वो प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन जीतेगा. ऑब्वियसली प्रिडिक्शन के लिए उनके पास रिजल्ट्स नहीं होते, बट फिर भी वो प्रिडिक्ट करते हैं. तो वो किस बेस पर करते हैं प्रिडिक्ट, कोई बताएगा? Sir, on the basis of their work. On the basis of their work. Okay. Yes. वो क्या करते हैं? Actually में होता क्या है कि exit poll अगर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पूरे एरिया में घूमा और each and every person से पूछा कि आपने किसको वोट किया. नहीं, वो एक सेट कर लेते हैं एक नंबर ऑफ ग्रुप, लाइक 1000 लोगों को वो सर्वे करेंगे. तो वो 1000 सिर्फ 1000 लोगों से पूछेंगे कि आपने आपको किसका काम अच्छा लगा, आपने किसको वोट दिया. उस बेस पर वो 1000 लोगों का जो रेशियो होगा, अगर 1000 में से 900 या 600 ने जवाब दिया कि हमने इस फर्स्ट पार्टी को वोट किया और बाकी जो थे उन्होंने कहा सेकंड पार्टी को, तो उस मेजोरिटी को देखकर वो अपना अजम्पशन करते हैं कि हाँ भाई अगर 1000 पर्सन में से ज्यादा जो मेजोरिटी है इन्होंने उसको वोट अगर दिया है ये बोल रहे हैं, तो प्रोबेबली पूरे स्टेट में भी यही रेशियो होगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो वाली पार्टी जीत रही होगी. ठीक है, वो प्रिडिक्शन हमेशा सही हो वो जरूरी नहीं होता है, बिकॉज वो सिर्फ एक प्रिडिक्शन होता है. आपको जो आंसर दे रहे हैं, अगर आपने किसी से पूछा तुमने किसको वोट किया, तो मोस्टली ये होता है कि उसमें लोग सही इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, तो दैट इंफॉर्मेशन इज करेक्ट वो जरूरी नहीं होती है. बट अगेन ये प्रेडिक्शन है, तो इसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि तुमने तो ये कहा था वो तो ये गया. नो, वो सिर्फ प्रेडिक्शन है, एग्जिट पोल्स है, आप उसमें कोई ब्लेम गेम नहीं कर सकते. सो लिटरेसी रेट के लिए भी हमें ये किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है. वो सर्वे करते हैं और अपने पास इंफॉर्मेशन रखते हैं. गवर्नमेंट की एक साइट भी है, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें उनके आपको जिस टाइप का भी डेटा चाहिए होता है, आपको किसी भी क्राइम से रिलेटेड एनसीआरवी या समथिंग लाइक दैट होती है, उसमें क्राइम से रिलेटेड कि इंडिया में कितने क्राइम, किस टाइप के क्राइम है, कितने हुए, पूरा डेटा उस पर होता है और आप उससे वो डेटा ले सकते हो बाय यूजिंग आरटीआई एंड ऑल. सो ये भी एक जॉब होती है सर्वे की भी, ये भी एक इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसमें आप सर्वे करते हैं और उस इंफॉर्मेशन से पैसे कमाते हैं. काफी बड़ा नेटवर्क होता है इसका. क्रेडिट कार्ड वाला मैंने आपको बताया था, जो फॉर्म भरवाता है फिर क्रेडिट कार्ड के लिए आपको कॉल करते हैं. सो दिस इज सेकेंडरी डेटा. देन वी हैव डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ऑफ आवर हाउस फॉर लास्ट 10 मंथ. देखो इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आ सकता है, कई बार हमें ये लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो कंजप्शन है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, वो तो हमें वो कंपनी या जहां से हमारा बिल आ रहा है वो बनाकर देगी, बट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का ट्रैक जो आप जो रखोगे वो आप रखोगे. कंपनी के पास तो सभी के रिकॉर्ड होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, उनके पास रीडिंग्स नहीं, उन्होंने बिल बनाया और आपको भेज दिया, दैट्स इट. अगर आप उनके पास ये कहने जाओगे कि हमें तो पूरा 2 साल का ट्रैक चाहिए, तो वो नहीं देंगे आपको, आपको वो खुद रखना पड़ेगा. ठीक है, वो अपने यूज के लिए तो कर सकते हैं, वो डेटा निकाल सकते हैं, बट आप अगर कहने जाओगे हमें पिछले 2 साल की पूरी डिटेल चाहिए हमारी, की कितनी हमने यूनिट्स यूज करी, कितनी हमारी फ्री यूनिट्स थी, कितनी हमारा जो था रिबेट था या फिर जो हमें सब्सिडी मिली उसका ट्रैक, तो वो सब वो आपको नहीं देंगे. तो अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन आपको ट्रैक रखना है तो आपको खुद रखना पड़ेगा. तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये एक प्राइमरी डेटा कहलाएगा. इस केस में आपने देखा हो शायद, मोस्टली पेरेंट्स जो होते हैं वो बिल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वो बहुत
संभाल के रखते हैं. ओके सलोनी, आई विल ऐड दिस नंबर. ठीक है, आफ्टर क्लास में इसको ऐड कर. Then we have this grocery consumption. Obviously, ये भी आपका खुद का काम है. आपके किचन में आके कोई और तो आपका ट्रैक नहीं रखेगा. So ये भी primary data है आपका. And election results secondary data, because election results की जो details है वो आपको किसी और से मिल रही है. आपको खुद नहीं देखने जा रहे कि क्या results होंगे और क्या होगा. So I hope primary और secondary में clear होगा concept आपको. इसकी examples ही देखने को आते हैं mostly या फिर क्वेश्चन दे देंगे उसमें पूछेंगे whether this will be a primary data or secondary data. बहुत कम आता है, rarely आता है ऐसे क्वेश्चन अगर आया तो. इसमें और भी चैप्टर में बहुत कुछ है इजी क्वेश्चंस के नाम पे, तो वो मोस्टली इसमें से देंगे. बट ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए. सो ये था हमारा प्राइमरी सेकेंडरी से बेस्ड फर्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, विच वॉज फॉर्मिंग ऑफ टेबल. टेबल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था. ग्रुप टेबल्स थी एंड ग्रुप टेबल्स में कॉन्टिन्यूस थी एंड डिसकॉन्टिन्यूड जो थी इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव टेबल्स थी, है ना. अभी जब बनाएंगे तो और आपको मैं साथ साथ बताते जाऊंगी कौन सी वाली टेबल थी कौन सी नहीं थी. इसमें मैंने सारे क्वेश्चन नहीं करे हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वेश्चन करे एज एन एग्जाम्पल आपको बताने के लिए कि आपको कैसे करना है. सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है मोस्टली इसमें, तो आई होप कि आप खुद कर लोगे इन क्वेश्चंस को. अगर किसी में आपको लगता है नहीं ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएगा, जो कि चांसेस मुझे नहीं लगता कि होगा कुछ भी ऐसा, स्टिल आप मेरे से पूछ सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ब्लड ग्रुप्स दिए हुए 30 स्टूडेंट्स के एंड क्लास 8 के इस फॉर्म में. ठीक है, 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप्स किसी ने कलेक्ट करे एंड इसकी टेबल बनानी है. तो इसकी टेबल का जो फॉर्मेट होगा वो कौन सा होगा, प्लीज टेल मी. टाइप करके बताना प्लीज कि कौन सा फॉर्मेट होगा. ये ग्रुप्ड होगी, अनग्रुप्ड होगी, कॉन्टिन्यूस होगी या फिर एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव जो थी उनमें से कौन सी होगी. विच टाइप ऑफ टेबल हम इसमें ड्रॉ करेंगे, ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, ungrouped. Okay, anyone else? Ungrouped. Sir, ungrouped. Ungrouped. Okay. Yes. Yes, ungrouped होगी. Correct. Ungrouped इसीलिए होगी क्योंकि हम इसको ग्रुप में तो कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, है ना. ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज चाहिए होते हैं, 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30 तक, सो ऑन. सो अच्छा, प्लीज अगर आपको ये हिंदी वाली काउंटिंग में कभी आपको लगता है सर ऐसे बोलते हैं समझ नहीं आते, प्लीज लेट मी नो. आई विल ट्राई कि मैं वो वर्ड्स ऐसे ना बोलूं जो समझ में ना आए. समटाइम्स इट हैपेंस कि हिंदी वाली जो काउंटिंग होती है वो नहीं समझ आती, तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क मी कि सर आपने क्या बोला है कुछ भी. बट इतना तो पता है कि आपको आती होगी. स्टिल समटाइम्स हैपेंस कि वो 69, 70, 81, 82 में कुछ हो जाता है कंफ्यूज. सो वी हैव दिस डेटा जिसमें हमें अलग अलग ब्लड ग्रुप्स दिए हैं एक 8th क्लास के स्टूडेंट्स के 30 स्टूडेंट्स के. तो इसके लिए हम अनग्रुप डेटा वाली फॉर्म बनाएंगे. अनग्रुप में हम क्या करते हैं, हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन में जो वो होती हैं वैल्यूज होती हैं उनकी अलग से एक कॉलम बनाते हैं. यहाँ पर हमारे पास 4 वैल्यूज है, एक ए है, बी है, ओ है और ए बी है बस. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास कोई भी वैल्यूज नहीं है जो रिपीट हो रही. तो हमने लिया ब्लड ग्रुप्स, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ब्लड ग्रुप्स में ए बी ओ एंड ए बी एंड देन वी हैव 9, 6, 12, 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. इसमें आप टैली मार्क्स नहीं बनाओगे बिकॉज ये अनग्रुप डेटा है. लेकिन अगर टीचर कहते हैं, अगेन मैंने बोला था, टीचर अगर बोलते हैं कि टैली मार्क्स सब में बनाने हैं तो आप बना देना. टैली मार्क्स का कोई फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसमें बनाने इसमें नहीं बनाने, बट फिर भी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ ग्रुप टेबल्स में ही टैली मार्क्स बनाते हैं, वो भी तब जब आपके टीचर्स आपको बोले. जरूरी नहीं है कि सभी टीचर्स आपके टैली मार्क्स में इंटरेस्टेड हों. कई टीचर्स स्किप करा देते हैं कि टैली मार्क्स की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लिखो. सो वी हैव अनग्रुप डेटा जिसमें हमारे पास ये एक कॉलम है और एक कॉलम है जिसमें हमने फ्रीक्वेंसीज लिखी है, यानी कि
कितने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स हैं। टोटल नंबर आपके 30 स्टूडेंट्स, इनका सम 30 होना ही चाहिए ऑब्वियसली। अगर आपको लगता है टैली मार्क से आपको इजी पड़ता है कि आपको काउंट करने में, तो आप वो भी कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग, प्लीज बुक में वो मत करना, मैं तो देख नहीं रहा, बट मुझे बहुत इरिटेशन होती है व्हेन स्टूडेंट्स बुक के अंदर ही पेंसिल से मार्क कर करके यहाँ पर लिखते जाते हैं। बुक को थोड़ा नीट रखने की कोशिश करना, मतलब ऑब्वियसली इट्स नॉट माय प्लेस टू टेल यू, बट बुक को नीट रखोगे तो मुझे लगता है कि इफ यू कीप योर बुक नीट एंड क्लीन तो वो किसी के आगे काम आ सकती है, एंड इट्स अ गुड कॉज। अगर आप अपनी बुक को ऐसा रखो कि आगे देने में आपको थोड़ी ऐसा ना लगे कि ये क्या हाल बना रखा है बुक, हम इसे कैसे दूंगे सीखो, ठीक है। तो एनीवेज, वी हैव दिस टेबल एंड ये डेटा है हमारा, इसमें उन्होंने पूछा विच इज द मोस्ट कॉमन। ऑब्वियसली हम फ्रीक्वेंसीज देख के बता सकते हैं विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। आप सबके क्या क्या ब्लड ग्रुप है, चलो टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू आर ओ पॉजिटिव? I am O positive. Or is it O positive? If you know your family. So me. Okay. So. Okay. Gauri, aapka bhi O positive? Yes, sir. So me too. Okay. Cool. Ritima ka bhi. So, dekho, O positive bahut hi rarest hai. No, sorry. Rarest hi common hai. And Next question में थोड़ा डेटा हमारा ज्यादा है। The distance in kilometers of 40 engineers from their residence to their workplace were found as follows. ये डेटा गिवन है, ये 40 engineers का किलोमीटर्स में डिस्टेंस है उनके रेजिडेंस से उनके वर्कप्लेस का। इसकी हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है क्वेश्चन में कि इसका क्लास साइज 5 होना चाहिए और क्लास इंटरवल 0 to 5 हमने इसको ध्यान में रखते हुए, देखो क्वेश्चन में अगर नहीं भी लिखा है कि आपको क्लास इंटरवल किस तरह से लेना है, तो एक तो ध्यान रखना कि अगर वैल्यूज जैसे 5 से लेकर 50 के बीच में, तो बेटर है कि 5-5 का डिफरेंस ले लो, है ना। 5 से लेकर 50 के बीच में है तो 5-5 का डिफरेंस ले लो। अगर 1 से लेकर 20 के बीच में है या फिर और कम है तो आप 2-2 का डिफरेंस ले सकते हो। तो और अगर 1 से लेकर 10 तक है सिर्फ, तो फिर उस केस में आप अनग्रुप्ड डेटा बनाओ, बेटर है कि आप ग्रुप ना बनाओ। अगर 1 से लेकर 10 तक के डिजिट्स ही सिर्फ उसमें रिपीट हो रहे हैं तो सिंपली आप ग्रुप्ड डेटा बनाओ 1, 2, 3, 4, 0 से लेकर 9 तक का। तो यहाँ पर तो उन्होंने बोला हुआ है 0 to 5 इस तरह से आपको क्लास साइज लेने, क्लास इंटरवल लेने और क्लास साइज 5 होना चाहिए। तो हमने क्लास साइज बनाया है यहाँ पर, ये हमारे टैली मार्क्स है। टैली मार्क्स में ये आप सबको बताया कि जब 5 हो जाते हैं तो हम इसको ऐसे डायगोनली कट कर देते हैं, है ना, जिससे कि इजी रहे इनकी कैलकुलेशन। तो ये हमारा डेटा है, इसको अच्छा ये बताओ कि आप लोग कैसे किस तरह से मार्क कर दो। पहले ये देखते हो कि 0 से 5 के बीच में कितने हैं, उनको काउंट करके फिर यहाँ मार्क लगाते हो। फिर 5 टू 10 देखते हो कितने हैं, उनको काउंट करके सही। वैसे वे तो वही होता है, हाँ ठीक है कि पहले आप जो भी यहाँ से स्टार्ट करा, आपने 5 से स्टार्ट करा, 5 कौन से ग्रुप में आएगा इसमें आएगा तो मार्क कर दिया, फिर 3 कौन से ग्रुप में आएगा इसमें आएगा मार्क कर दिया, 10 कौन से ग्रुप में आएगा इसमें आएगा थर्ड वाले में। प्लीज ध्यान रखना 0 से 5 में 5 नहीं आएगा, इसमें 10 नहीं आएगा, 15 ये आपको उस दिन बताया था।
इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव वाली जो फॉर्म होती है एक्सक्लूसिव वाली जिसमें हम अपर क्लास लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हैं, जीरो से फाइव के बीच में फाइव वाले नहीं आएंगे, फाइव से नीचे या उसके बिलो वाली वैल्यूज आएंगे। तो इस तरह से आप टैली मार्क्स लगा लोगे और यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी को मोस्टली एफ आई से डिनोट करते हैं, प्लीज ध्यान रखना अगर आपके टर्म कभी एफ आई लिखी आती है तो समझ जाओ कि वो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। क्लास मार्क क्या होता है कोई बताओ? क्लास मार्क के बारे में पता है किसी को? व्हाट इज अ क्लास मार्क? वो आपकी बुक में तो नहीं दिया हुआ है बट उससे रिलेटेड क्वेश्चंस टीचर्स दे देते हैं। क्लास मार्क दिया होगा उससे आपको क्लास इंटरवल फाइंड आउट करनी होगी, या फिर क्लास इंटरवल्स दी हुई है उसके रेस्पेक्टिव क्लास मार्क निकालना होगा। हाईएस्ट एंड लोएस्ट नहीं बच्चे, हाईएस्ट एंड लोएस्ट तो आपके अगर इसके रिकॉर्ड में देखोगे हाईएस्ट लोएस्ट ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। हाईएस्ट और लोएस्ट जो डिफरेंस है, क्लास मार्क इज द मिड पॉइंट, दैट इज जो सबसे बीच वाला नंबर होगा, वी विल काउंट इट एज क्लास मार्क। तो आई आस्क अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, नहीं अपर लिमिट लोअर लिमिट इज समथिंग, वो तो सिर्फ एक टर्म डिफरेंट ही होगी बच्चे। क्लास मार्क एक्चुअली होता है जैसे ये आपकी क्लासेस है, एवरी क्लास इंटरवल है क्लास मार्क जिसको हम कैलकुलेट करते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू से। अगर क्वेश्चन में इसका क्लास मार्क फाइंड आउट करो जीरो टू फाइव का, तो क्लास मार्क इसका होगा 2.5। यस क्लास मार्क इसको कैलकुलेट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ओवर टू, दैट गिव्स अस 5 ओवर 2 व्हिच इज 2.5। ऐसे ही अगर नेक्स्ट क्लास का अगर वो पूछेंगे तो दैट विल बी 5 प्लस 10 ओवर 2 दैट गिव्स अस 7.5। तो ये क्लास मार्क है, इसमें ये आप ध्यान रखिएगा, मैं ये कौन निकाल के दिखा रहा हूं उससे और समझ आएगा। थर्ड वाली क्लास मार्क है, मान लो क्लास मार्क निकालेंगे तो 10 प्लस 15 ओवर 2 25 ओवर 2 दैट गिव्स अस कितना, 25 ओवर 2 का कितना होता है 12.5। तो आप अगर देखोगे इन कॉन्टिन्यूस क्लास मार्क्स में उतना ही डिफरेंस है जितना क्लास साइज था। यहाँ पर क्लास साइज 5 है, 0 से 5 5, 5 से 10 5, और क्लास मार्क्स के बीच में कितना डिफरेंस है वो भी 5 है, 2.5 प्लस 5 7.5, 7.5 प्लस 5 12.5। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली ये आ जाता है कि आपको क्लास मार्क्स दिए होंगे 2.5 7.5 12.5 एंड सो ऑन, देन दे विल आस्क फाइंड द क्लास इंटरवल रेस्पेक्टेड टू दिस क्लास मार्क। क्लास इंटरवल हमें फाइंड आउट करना है इस क्लास मार्क से रिलेटेड। तो ऐसे केस में हम मान लेते हैं इस क्लास मार्क का जो लोअर लिमिट था वो कितना था, एक्स था। लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, उतने का ही डिफरेंस होना चाहिए जितने का डिफरेंस इन क्लास साइज क्लास मार्क्स के बीच में है, मींस 5 का। तो अगर लोअर लिमिट एक्स है तो हमारी अपर लिमिट क्या होगी, एक्स प्लस 5 होगी, है ना। जैसे यहाँ पर इसको रिवर्स में देखोगे एक्स है तो एक्स प्लस 5 क्या है, 10 है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने कंसिडर करा कि लोअर लिमिट एक्स है तो अपर लिमिट क्या हो गई, एक्स प्लस 5 हो गई। अब हमें पता है क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास मार्क इक्वल्स टू लोअर लिमिट विच इज एक्स प्लस अपर लिमिट विच इज एक्स प्लस 5 ओवर 2। क्लास मार्क की वैल्यू हमें दी हुई है 7.5, तो हमने क्लास मार्क के प्लेस पर 7.5 पुट किया, एक्स प्लस एक्स हो गए 2x प्लस 5 ओवर 2, 2 की इधर मल्टीप्लाई करा ये हो गया 15 इक्वल्स टू 2x प्लस 5, 5 उधर जाकर माइनस हुआ, 15 माइनस 5 कितना होता है 10, तो 10 इक्वल्स टू 2x और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो लोअर लिमिट तो 5 हो गई और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, 5 प्लस 5 दैट इज 10। तो ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया रेस्पेक्टेड टू दिस क्लास मार्क। ये क्वेश्चन काफी आता है, बुक में नहीं है बट एग्जाम में आ जाता है, आपके टीचर्स दे सकते हैं, दे विल गिव यू क्लास मार्क्स और उनसे फिर कैलकुलेट करके आपको क्लास इंटरवल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा उसी क्लास मार्क्स से रेस्पेक्टिव।
इसका भी पूछ सकते हैं, तो इसके लिए भी सेम मेथड ही अप्लाई होगा। इसमें मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्लास मार्क्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है। जितना भी डिफरेंस है लोअर लिमिट एक्स कंसिडर करोगे, और जितना भी डिफरेंस है अपर लिमिट उसमें उतनी ही ऐड कर दोगे। दोनों को प्लस करके ओवर टू रखोगे और इक्वल्स टू में वो क्लास मार्क जिसकी आपको क्लास इंटरवल फाइंड आउट करनी है। दैट्स इट। फिर से बताओ, यस समझ आ गया? तो एक बार फिर से, एक बार मैं थोड़ा सा क्लीन नीट एंड क्लीन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्लास मार्क समझ आ गए? क्लास मार्क क्या होता है? यस सर। ओके, फिर से देखो क्लास मार्क। अगर हमें पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि फाइंड द क्लास मार्क रिस्पेक्टिव टू दिस क्लास इंटरवल। वी हैव दिस क्लास इंटरवल 5 to 10 और इसका क्लास मार्क आपको निकालना है। तो क्लास मार्क के लिए हम क्या करेंगे, क्लास मार्क इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ओवर 2। लोअर लिमिट 5 है एंड अपर लिमिट 10 है, ओवर 2 दैट गिव्स अस 17 ओवर 2 मींस सॉरी 15 ओवर 2 दैट गिव्स अस 7.5। ये हमारा क्लास मार्क आ गया। फिर दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो इससे रिलेटेड आता है कि हमें फाइंड आउट करना है, हमें कुछ क्लास मार्क्स दिए हुए हैं, मैं कुछ और क्लास मार्क्स देता हूँ इस बार। हमें क्लास मार्क दिए फोर नाइन फोर्टीन एंड सो ऑन। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये कुछ क्लास मार्क्स हैं, इनसे रेस्पेक्टेड, इससे रेस्पेक्टेड या इन सबसे रेस्पेक्टेड क्लास साइज निकालो, सॉरी क्लास इंटरवल फाइंड आउट करो कि किस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क 4 होगा, क्लास इंटरवल किसका 9 होगा क्लास मार्क, एंड किस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क 14 होगा। तो उस केस में पहले तो आपको फाइंड आउट करना है इन क्लास मार्क्स के बीच का डिफरेंस कितना है, जो कि इक्वल ही होगा। यहाँ पर क्लास साइज जो होगा हमारा, क्लास साइज इसको बोलते हैं हम, क्लास साइज इक्वल्स टू किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव को माइनस कर लोगे, 14 माइनस 9 कर लेते हैं विच गिव्स अस 5। तो ये हमारा क्लास साइज है। और हमें पता है कि लोअर लिमिट अगर एक्स है, कंसिडर किया लोअर लिमिट इक्वल्स टू एक्स, अगर लोअर लिमिट 0 है तो, और ये देखो क्लास साइज 5 5 है, यहाँ पे लोअर लिमिट में 5 ऐड करके अपर लिमिट आया, लोअर लिमिट में 5 ऐड करके अपर लिमिट आया, यहाँ भी लोअर लिमिट में 5 ऐड करके अपर लिमिट आया। मींस लोअर लिमिट में अगर हम क्लास साइज ऐड कर देते हैं तो हमें अपर लिमिट मिल जाती है। यहाँ पर लोअर लिमिट एक्स है और क्लास साइज 5 है, तो अपर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, अपर लिमिट विल बी एक्स प्लस 5। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ हम एक क्लास मार्क के लिए निकालना है। अभी हमने कंसीडर के लिए हमें इसका क्लास इंटरवल निकालना है, तो हम इसके लिए लेकर चल रहे हैं कि इसकी लोअर लिमिट, इस क्लास मार्क की लोअर लिमिट एक्स है और इस क्लास मार्क की अपर लिमिट है एक्स प्लस 5। अब हम क्लास मार्क का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्लास मार्क इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ओवर 2। क्लास मार्क के प्लेस पर क्लास मार्क की वैल्यू रखिए जिसके भी रेस्पेक्ट में आपको निकालनी है, लोअर लिमिट के प्लेस पर लोअर लिमिट की वैल्यू विच इज एक्स, अपर लिमिट के प्लेस पर अपर लिमिट की वैल्यू विच इज एक्स प्लस 5 ओवर 2। 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, इट बिकम्स 18 और ये हो गया 2x प्लस 5। 18 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 13 इक्वल्स टू 2x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.5। मींस लोअर लिमिट हमारी इसके रेस्पेक्ट में, 9 का जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट तो है 6.5 और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, 6.5 में हम क्या ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे विच विल बी 11.5। तो ये क्लास इंटरवल हो गया जिसका क्लास मार्क क्या होगा, 9 होगा। ऐसे ही आप 4 का भी क्लास इंटरवल निकाल सकते हो और 14 का भी। नाउ क्लियर? यस सर।
तो ये क्लास में ये एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन था, अभी तो इसका कुछ लेना देना है नहीं, बट यू शुड नो क्लास मार्क्स बहुत है। तो ये तो हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन जिसमें हमें डिस्टेंस को बताना था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। साथ में हमने क्वेश्चन दिया था हमें बताना है कि इससे हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है, इससे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। कोई भी ऑब्जर्व बताओ कि क्या ऑब्जर्वेशन आप देखते हो इस डेटा में, ऑनेस्टली अपने आप बताओ। डू नॉट चेक द आंसर्स सर, दैट द इंजीनियर्स बिटवीन 5 टू 10 एंड 10 टू 15 दे आर देयर रेजिडेंस। ठीक है, और कुछ देखो, ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकती है, बस वो उस डेटा को रिलेट करनी चाहिए, उसमें होनी चाहिए। आप ये भी लिख सकते हो कि मोस्टली इंजीनियर्स जो हैं वो 0 से लेकर 20 किलोमीटर तक के बीच में रहते हैं, यानी 50% जो आपके 50% से ज्यादा जो इंजीनियर्स हैं वो 0 से लेकर 20 किलोमीटर के बीच में रहते हैं, है ना। 0 से 20 के बीच में आपके कितने सारे इंजीनियर्स हैं। और ये भी कह सकते हो कि ओके गौरी नो प्रॉब्लम श्योर श्योर गो अहेड। नो नो इट्स ओके बच्चे, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसके मैं लिंक भेज दूंगा, सो यू कैन चेक लेटर। गो अहेड। सो यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो कि बहुत ही कम इंजीनियर्स हैं जिनका रेजिडेंस बहुत दूर है उनके वर्क प्लेस से, 20 से 35 किलोमीटर के बीच में उनका रेजिडेंस है। कितने इंजीनियर्स का, सिर्फ 4 इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनका रेजिडेंस उनके वर्क प्लेस से काफी दूर है, या 20 से 35 किलोमीटर, 20 से 35 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, तो आप कुछ भी ऑब्जर्वेशन जो आपको सही लगे वो दे सकते हो, इसमें मार्क्स नहीं कटते हैं, बस वो उस डेटा को रिलेट करनी चाहिए आप। और अगर कोई ऐसी वैल्यूज है उसमें जिसमें आप कोई पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे डिजीज वगैरह की होती है या फिर इनकम ग्रोथ की होती है, उन सबसे रिलेटेड कुछ ऐसी वैल्यूज जिसमें आप कुछ पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि मंथ के साथ में इनकम बढ़ती जा रही है, ईयर के साथ में इनकम बढ़ती जा रही है, कुछ भी ऐसी ऑब्जर्वेशन आप दे सकते हो। या फिर जैसे कई बार डिजीज के रिलेटेड ग्राफ्स होते हैं, उसमें ये होता है कि प्रीवियस ईयर्स में किसी डिजीज से बहुत लोग मर रहे थे। पोलियो का अगर देखो, पोलियो का अगर ग्राफ बनाएंगे तो प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे लोग पोलियो से, पोलियो था उनको, एंड धीरे धीरे करके वो 0 पे आ गया। द पोलियो रेट इज इंडिया में 0 हो गया कि अब किसी को पोलियो नहीं होता है। तो ऐसी पॉजिटिव वैल्यू ढूंढने की कोशिश कर सकते हो अगर कुछ ऐसी वैल्यू दे रखी है तो। तो आप ऑब्जर्वेशन में कुछ भी लिख सकते हो, शुड बी रिलेटेड टू दैट डेटा ओनली। ये हमारी ऑब्जर्वेशन हो गई इसमें, एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, frequencies of this shows maximum number of ये and ये and वही जो भी आप दे सकते हो कि ज्यादातर इतने दूर रहते हैं इतने लोग इस वर्क प्लेस पर रहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये क्वेश्चन काफी आता है एग्जाम में, हालांकि इसमें कुछ है नहीं ऐसा। ये सिर्फ डेसिमल वाली वैल्यूज, एक तो ये है और एक और है इसके आगे, कंसंट्रेशन ऑफ सम गैस, आई डोंट नो कौन सी गैस का है, उस वो वाला क्वेश्चन। इसमें क्योंकि डेसिमल्स की वैल्यूज है तो डेटा को रिप्रेजेंट करने में कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार हो जाता है। दैट्स व्हाई उन्होंने ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत सूटेबल समझा कि इसमें आपको केयरफुली डेटा को चेक करना पड़ेगा उसको टेबल में डालने के लिए। तो जब भी डेसिमल वाले क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत केयरफुल रहना, बिकॉज इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। यहाँ पर उन्होंने ये डेटा दिया हुआ है जो ह्यूमिडिटी लेवल को परसेंटेज में बताता है कि एवरी डे कितनी ह्यूमिडिटी थी एयर में, 98.1, 98.6, 99.8। सो 30 डेज का है, यानी होल मंथ का है, किसी एक होल मंथ का है। कंस्ट्रक्टिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें उन्होंने बोला है इस तरह से, डेसिमल में नहीं लेनी वैल्यूज आपको, जो क्लास इंटरवल और क्लास साइज लेने हैं वो इस फॉर्म में लेना है। दो टू तो है आपका क्लास साइज यहाँ पर, एंड देखो ये जो दिए होते हैं ये एग्जांपल्स होते हैं, आप ये मत सोचना कि 84 से ही स्टार्ट करना है। यू हैव टू चेक योर डेटा कि हो सकता है 84 से भी छोटी कोई वैल्यू हो तो आप वहां से स्टार्ट करोगे, बट वो फॉर्म ये होनी चाहिए।
मींस इवन उन्होंने बोला है कि 2-2 का डिफरेंस होना चाहिए और प्रेफरेबली अपर लिमिट और लोअर लिमिट इवन नंबर्स होनी चाहिए. ठीक है, यहाँ पर 84 लिखा है, डजंट मीन कि 84 से स्टार्ट होगी, हो सकता है यहाँ पर उससे छोटी कोई वैल्यू हो तो वहां से भी स्टार्ट हो सकती है, या उससे बड़ी वैल्यू उससे भी स्टार्ट हो सकती है. यहाँ पर हमने देखा कि टेबल में कितने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, रेंज भी पूछी है. सो टेबल बनाते हैं यहाँ पर, इसमें मैंने टैली मार्क्स नहीं लगाए हैं. टैली मार्क्स आप चाहो तो लगा सकते हो, उसमें कॉन्टिन्यूस ग्रुप डेटा है, ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगी इसमें कॉन्टिन्यूस वाली एक्सक्लूसिव वाली. तो इसमें 84 टू 86, 84 से स्टार्ट करें एंड उसमें भी 84 से बोले थे. तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक था हमारा डेटा जो इंफॉर्मेशन जो 84 से 86 के बीच में लाया कर रही थी. अगर ये नहीं होती तो हम फिर नेक्स्ट क्लास से मूव करते, 86 से स्टार्ट करते. सो 84 से 86 वन दिस 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 एंड टोटल, बाद में जो टोटल लिखो प्लीज खुद से कैलकुलेट करके लिखना, यहाँ पर जो लिखा उसे डायरेक्ट मत लिखना. बिकॉज कई बार होता है कि आपका आपने जो इन्फॉर्मेशन फीड करी है वो मैच ना करे, उसका सम 13 आए, तो उससे आपको ही पता चल जाएगा कि आपका जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट नहीं है. आप चेक करके देख सकते हो फिर उसको, अगर आपने यहाँ से देखा ये 30 है तो आंसर तो 30 आएगा, आपने लिख दिया, पता चला यहाँ पर आपने कोई वैल्यू दो बार कहीं दो क्लासेस में एंट्री कर दी या फिर स्किप कर गए किसी को. तो ये जो सम होता है टोटल होता है ये एक तरह से आपका ही चेक कर देता है आंसर जो भी आपने दिया है कि आपने करेक्ट किया है नहीं करा. अगर 30 नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली आपने कोई इंफॉर्मेशन मिस करी है या फिर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया. फाइन, तो ये हमारी टेबल हो गई. अब इससे रिलेटेड जो हमारे आंसर्स हैं वो हम देंगे, विच मंथ ऑफ सीजन. ऑब्वियसली इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो ये रेनी सीजन का ही होगा, है ना. रेनी सीजन अगर वो स्पेसिफिकली मंथ पूछे तो आप लिख सकते हो कि जुलाई अगस्त सितंबर, इनमें से कोई भी मंथ आप लिख सकते हो, या जुलाई टू सितंबर ऐसे भी लिख सकते हो. सीजन पूछा है तो रेनी सीजन है, इतनी ह्यूमिडिटी रेनी सीजन में होती है. जब आपने देखा होगा एसी की बहुत जरूरत लगती है या फिर बहुत स्किन पे बहुत स्टिकीनेस रहती है, बाहर जाते हैं तो बहुत चिपचिपा सा लगता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमिडिटी. साइंस में आपने पढ़ा होगा तो इससे साफ पता चल रहा है मोस्टली जो लेवल है वो 90% से ज्यादा है, तो वो रेनी सीजन का ही हो सकता है. देन वी हैव विच मंथ ऑफ सीजन, ये हो गया. एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा, रेंज आपको बताया था. रेंज के लिए हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में से, हाईएस्ट डेटा में से, सॉरी नॉट फ्रीक्वेंसी, प्लीज ध्यान रखना, हाईएस्ट इंफॉर्मेशन जो होती है हमारी डेटा होता है उसमें से लोएस्ट को माइनस करते हैं, फ्रीक्वेंसीज को नहीं माइनस करते हैं. ऐसा मत करना कि आप ये देखो हाईएस्ट यहाँ पर क्या है 7 है और इसमें से लोएस्ट 1 को माइनस कर दो, दैट विल बी रेंज. नहीं, आपको ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसमें माइनस करना है. इसमें हाईएस्ट आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी रीडिंग होगी, उसमें से लोएस्ट रीडिंग को माइनस करना है. दैट इज 99.2 में से माइनस किया 84.9, which gives us 14.3. So this is the range of this data. ठीक है, किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछो कुछ भी. No sir. Okay. तो इसकी टेबल्स आप बना लोगे, एक और मैंने बनाई है सिर्फ वो लास्ट वाली शायद पाई वाली है. Let me see if I do that or not. जहां तक याद है मैंने बनाई तो थी. अच्छा ये भी है, हाइट वाला है, हाइट वाला क्वेश्चन. इसमें हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स दी हुई है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स दी हुई है एंड उसका ग्रुप डेटा बनाना है हमें, ग्रुप टेबल बनानी है. ग्रुप टेबल के लिए ये वैल्यूज हमारे पास हैं, सेंटीमीटर्स में ये हाइट दी हुई है डिफरेंट डिफरेंट 50 स्टूडेंट्स की एंड वी नीड टू ड्रॉ द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है कि इससे क्या ऑब्जर्व हम करते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या निकलती है इससे. तो इसकी कंक्लूड क्या, कंक्लूजन क्या है इसकी टेबल, जल्दी जल्दी मैं दिखाई देता हूँ बनाई हुई है. ये उन्होंने बोला था 160 से 165 इस तरह से आप बोल रहे हैं. देखो 160 से बोला था बट हमने स्टार्ट कहाँ से करी, 150 से, बिकॉज जो हमारा लोएस्ट डेटा है वो 150 टू 155 के बीच में फॉल करता है. तो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड फ्रॉम 150 टू 155 एंड लास्ट डेटा हमारा 175 से छोटा था तो हमने 170 से 175 तक का क्लास लिमिट रखी लास्ट में.
एंड फ्रीक्वेंसीज ऐड करी, आप टैली मार्क्स लगाना चाहते हो बिल्कुल लगा सकते हो क्योंकि एक ग्रुप के डेटा है। एंड देन इसके बेस पर हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखो कंक्लूजन इसमें क्या निकाल सकते हो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कितनी हाइट से छोटे हैं, कुछ भी कंक्लूजन निकाल सकते हो मैं तो, हाइट का कि कितने शॉर्टर है, किस हाइट से ज्यादा छोटे हैं, 165 से ज्यादा ये इतने सारे स्टूडेंट्स 165 से छोटे हैं एंड इतने स्टूडेंट्स 165 से ज्यादा हैं, कुछ भी ऑब्जर्वेशन आपको जो भी लगे। इसमें कुछ स्पेसिफिक या स्पेशल ऑब्जर्वेशन आपको नहीं दिख रही होगी, तो आप कुछ भी कि 50% से ज्यादा बच्चे इससे छोटे हैं, 50% से ज्यादा बड़े हैं या 40% से ज्यादा बड़े हैं, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दीज आर ऑब्जर्वेशंस, इसमें रेंज भी नहीं निकालनी थी हमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पाई वाला। पाई वाला क्वेश्चन ये भी काफी आता है। पाई वाले में सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉब्लम कई बार स्टूडेंट्स कर देते हैं कि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि डेसिमल के बाद वाले जो हमारे डिजिट्स हैं उनके बेस पर टेबल बनानी है, बट वो क्या करते हैं कि डेसिमल से पहले वाला जो 3 है उसको भी काउंट कर देते हैं। उन्होंने पाई की वैल्यू अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस तक दी हुई है एंड दे आर आस्किंग टू मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर डेसिमल पॉइंट। आफ्टर डेसिमल पॉइंट बोला है तो हम 3 को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी वजह से गड़बड़ होती है जो भी होती है, तो ध्यान रखना आफ्टर डेसिमल पॉइंट हो सकते हैं एग्जाम में सेम क्वेश्चन आए वो ये ना लिखे, उस केस में आपको 3 को भी ऐड करना पड़ेगा। फाइन, वो लिख देंगे मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, दैट्स इट। आफ्टर डेसिमल पॉइंट नहीं लिखेंगे, उस केस में आप इसको भी काउंट करोगे, बट अगर आफ्टर डेसिमल पॉइंट लिखा है तो ऑब्वियसली आप डेसिमल के बाद वाले ही डिजिट्स देखोगे। अब यहाँ पर हम कौन से टेबल बनाएंगे, कोई बताएगा? ग्रुप बनाएंगे, अनग्रुप बनाएंगे, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब ऐसा केस हो जिसमें सिर्फ आपकी वैल्यूज 10 से छोटी छोटी हैं सारी, तो आप कैसी टेबल बनाओगे? अनग्रुप। आप अनग्रुप टेबल बनाओगे, अनग्रुप। सो यस, अनग्रुप, एग्जैक्टली। क्योंकि देखो यहाँ पर मेन कंसर्न है हमें डिजिट्स की फ्रीक्वेंसी को चेक करना कि कौन सा डिजिट कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो इस केस में। हाँ अक्षर, जो जो मैं क्वेश्चन छोड़वाए वो सब होमवर्क है आपके, ठीक है? होमवर्क कम, प्रैक्टिस ज्यादा। होमवर्क के लिए उसमें कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं, होमवर्क इसलिए उस केस में जिस केस में आपको लगे कि इसमें डाउट है, अदरवाइज दैट जस्ट अ प्रैक्टिस, आप करो ध्यान। ये वाला सेशन प्लीज एक बार पोस्ट कर दीजिएगा, रिकॉर्ड हो रहा है। ये मैंने रिकॉर्ड किया है तो मैं पोस्ट करूंगा, आज ही मैं लिंक भेज दूंगा आपको। ठीक है, तो जल्दी से इसको कर लेते हैं। मैं बताया था कि जब आपके मैं बताया था कि हमें यहाँ पर डिजिट्स की रिपीटेशन देखनी है स्पेसिफिकली कि कौन सा डिजिट कितना रिपीट हुआ है, तो ऑब्वियसली मैं ग्रुप बनाऊंगा तो उसमें मुझे नहीं पता चलेगा कि कौन सा डिजिट कितने बार रिपीट हुआ। ऑल्सो 0 से लेकर 9 तक के ही हमें वैल्यूज लिखनी है तो इतनी बड़ी टेबल नहीं बनेगी, तो मैं डायरेक्ट इसका अनग्रुप डेटा बना दे फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकता हूँ। यहाँ पर उसने क्वेश्चन में भी पूछा है कि मोस्ट और लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट्स की हमें बतानी है, तो ऑब्वियसली अगर ग्रुप डेटा बनाता है तो उसमें मुझे पर्टिकुलर किसी डिजिट के फ्रीक्वेंसी का नहीं पता चलता। 0 to 5 में तो सभी आते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, तो वो कितनी बार रिपीट हुआ वो स्पेसिफिकली नहीं पता चलता। दैट्स व्हाई भी हमने यहाँ पर अनग्रुप टेबल बनाई जिसमें हमारे 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स आए हमारे क्लास इंटरवल वाले कॉलम में, और देन वी हैव दिस फ्रीक्वेंसी व्हिच शोज द रिपीटेशन ऑफ स्पेसिफिक डिजिट 0, 2 times, 1, 5 times, 2, 5 times एंड सो ऑन। सो यहां से आपको देखकर क्या पता चल रहा है, व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंसी अकरिंग फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स। मोस्ट अकरिंग डिजिट कौन सा है, इसमें फ्रीक्वेंसी देखोगे सबसे बड़ा नंबर 8 है, बट 8 टू टाइम्स रिपीट हो रहा है, किस किस के लिए, 3 के लिए भी और 9 के लिए भी, तो आप दोनों के लिए लिखोगे मोस्ट फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट इज 3 and 9 और लीस्ट अकरिंग देखो इसमें क्या है, सिर्फ ये सबसे छोटा नंबर 2 है जो कि 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबसे छोटा आपका सबसे लीस्ट अकरिंग डिजिट क्या हो गया फ्रॉम द टेबल, वी ऑब्जर्व दैट मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट इज आर 3 and 8 3 and 9। प्लीज ये जरूर मेंशन कर देना कि कितने टाइम्स हुआ,
सिर्फ आंसर ये नहीं लिखना है कि 3 और 9 सबसे ज्यादा रिपीट हुए, आपको ये भी लिखना है कि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और 0 लीस्ट अकरिंग है जो कि सिर्फ 2 बार ही रिपीट हुआ। तो ये था आपका, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो बीच में स्किप करे मैंने क्वेश्चन प्लीज ट्राई करके देखना, डेसिमल वाले स्पेसिफिकली, जिसमें एक वो एयर में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन और समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको जरूर कर लेना। वो मैंने स्पेसिफिकली आपको बोल रहा हूँ बिकॉज वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें कंफ्यूजन होता है, मोस्टली होता है, स्पेशली तब होगा कंफ्यूजन जब वो उसमें कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि 11 से ज्यादा है समथिंग लाइक दैट। तो उसको ट्राई करके देखना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मैं आज का सेशन एंड कर रहा हूँ, बाय एवरीवन। मैं ये पोस्ट कर दूंगा एंड लिंक भेज दूंगा आपको। यस सर, बाय बच्चे।